बोला सजा बजा करके दुल्हन के तरह शादी करके राजमहल ले जाएंगे। जब मोरंग की ना आप लोग न आए हैं तो आप अपना रूप रेखा को बदल करके आए हैं। जब तक रूप रेखा बदल, जब तक मन में आप लोग को छलिया कुछ बात नहीं था तो आप लोग रूप बदल करके नहीं आते। वैसे भी आपका नाम मैंने जानती थी, वैसे भी आपका नाम मैं कि आपका नाम सारी दुनिया जानते थे। अगर आज आप अपने रूप में आते इस तरह से आप लोग के साथ व्यवहार नहीं की जाती। बचिया पुतहु, बचिया कहने का तो आदत बन गया था पहले में, इसलिए आ जाता है बचिया। देखो अगर तुम्हारे दरबार हम ऐसे बन करके आते तो तुम लोग सामना नहीं आते, ना तुम लोग हम लोग को भिक्षा देती, ना तुम लोग को हम बिजली का कोड़ा चलाते। अगर दो चार कोड़ा मार दिया तो तुम गए अपने पति को कहने के लिए। तुम्हारी पति ने गुस्सा के मारे मेरे साथ आग सामने आया, वह ने जूद करना शुरू किया, जूद किया, उसके बाद अपने रूप में आया, पर्चा पात्र हुआ, हो गया नहीं साहब। अभी बेटा के लिए क्या सब हुआ दोनों भाई जानते हैं। जब तुमको शादी करना था राजमहोपा में तो तुम टीका लिख करके राजमहोपा भेजा देते, मुंशी दमन से भेजा देते। अरे मैंने धूमधाम से बैंड पार्टी के साथ अजनिया बजनिया ऊंट बगाड़ा हाथी घोड़ा खैरा मोदरा की कछे खपती बरसमी सब तक बराती सहज के थी। बिल्कुल इसको कमर घर बना करके इतना मान आदर से इसका धूमधाम से शादी करके ले जाते। ठीक है, ये चोर का तरह तूने मेरे बेटा को मेला से हार करके ले आई और शादी करने के लिए जब हम लोग आए तो भोजन के बदला में अब क्या कहेंगे, वो अपना इज्जत अपने बर्बाद होगा, इसलिए हम बर्दाश्त कर लेते। क्या नहीं है अगर आप लोग ले जा रहे हैं, घर में मेरा भाई का जन किया, तुम्हारी दरबार में आया तो पुतहू लाद दिया। ये बात कहने वाला है किसी को नहीं कहने वाला है। कहना गली रे, ये नहीं आता तू, बोला उसको कहा गली रे, या या इनिया इनिया तू अरे हाँ बोलिए मोन लाइक दे दो। क्या हुआ क्या हुआ फिर गलत सर, इसको छोड़ दे, इससे अच्छा से अच्छा ढूंढ के तुमको शादी कर देंगे। चाचा जी रानी आदेश देगी उसके बाद चलेंगे। भैया विध कर या दोनों गिर 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 है छे या दोनों में पकड़ है। ठीक है अच्छा, वो पकड़ को छोड़ा करके ले चल रहा है तो ठीक है बेटा, उसको पूछो कैसे वो तुमको जाने के लिए देगी। ठीक है हम पूछ रहे हैं, सही ले जाऊंगा। ठीक है लेके जाएंगे और तू अपना नंबर नहीं देना उनको, अरे बिस्कुल मारेगी। रानी हाँ हाँ चाचा जी बहुत हंट बजा रहे हैं, तुम्हारी क्या याद से बोल। जाने का मन है तो आप जा सकते हैं लेकिन मैं कैसे रहूंगी। एक हफ्ता के अंदर मैंने माँ मर्जा से बराती सजा कर आएंगे, तुम धैर्य बन के रहना। यानी के कहने का मतलब है कि मैं अपने माँ और पिताजी से भेंट मुलाकात करके फिर वापस आ रहा हूँ। बस 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 ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। यह बात नहीं है, मैं अपने भाई के नजर में, सुन लो दोनों मिलकर के, तुम्हारे पिताजी के नजर में रुदल सिंह मर गया है। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए तुमको ले जाने के लिए चाहता हूँ। चल वह दुश्मन अपने भाई के पास, चलिए चाचा जी आपके साथ। ठीक है रानी, जिसको मैंने अपना पुतहू बना लिया मेरा जान चले जाएगा, तुम पुतहू रहेगी पुतहू है। ठीक है आप लोग आवाज आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है तुम जा सकती हो, चलो रे बाबा। अरे लोया ना प्याला ताजा Yeah!
सुंदर सिंह चाचा जी हम दरबार में छिप करके बैठते हैं। बैठते हैं दोनों भाई। हम और डेमा पंडित, तुम चले जाओ सबसे पहले अपने माँ के पास, तुम अपने माँ से मुलाकात कर लो। अगर तुम्हारी माँ कहेगी कि तुम्हारा चाचा कहाँ है, तुम मेरा नाम नहीं बताना है कि चाचा हमको मोरंग किला में मिला था और चाचा लोग हम लोग को लाए। नहीं बोलना। ठीक है, नहीं कहेंगे। पहले अपने पिता को कहना। नहीं कहेगा, पहले अपने माँ से मिलेगा। हाँ। ठीक है, वह दुश्मन भाई के पास सारे बात माँ से पूछेंगे। ठीक है, मैया है सुना ले सोना के
हाँ बेटा, मैं दरबार उदास देख रहा हूँ। तुम तीनों चाचा भतीजा मिलकर मेला गया था, तो मेला में क्या था, घटना हुआ तुम्हारे साथ, तुम कहाँ चला गया था? ना, मैं बताऊं, मेला देखने के लिए सही में चाचा जी को सास में गए थे। अमर बुआ रहने वाले हैं, मनीष बाबू की तरफ से 11 रुपये आदेश हुआ है, पूरी पार्टी ओर से धन्यवाद सुनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माँ, जब मैंने चाचा जी को सासमन गए थे तो चलते चलते मेरा पाँव थक गया। चाचा जी ने मुझे वहां मेला में तमंग गिरा जा, हमने तमंग में आराम करने थे। माँ, मेरा पहरा जगा रहा था चाचा विभा पंडित, और उधर से दादा माहिल था, वह तमुक से मुझे उठाया, मेला में जाकर के मुझे छोड़ दिया, मैंने खो गया। जब मैंने खो गया, एक राज ऐसा है, वह मोरंग किला का लड़की थी, जब मैंने रो करके गिरे, मुझे बदन पर हाथ देकर के उन्होंने उठाई, वह मुझे सजाने लगे या क्यों गिर गए। माँ, वह ने जादू के बल से मुझे फंसाई, उसको बहुत पिटाई की है, वह ले गई मोरंग किला। मेरे साथ वह शादी की बातें सर पूछ रही थी, हमने शादी से इनकार है, शादी नहीं की है माँ, और वहां मोरंग किला से हमने वापस आ गए हैं। लेकिन माँ, चाचा जी कहाँ है? कहाँ? चाचा? हाँ माँ। इसका मतलब तुम्हें चाचा से मुलाकात नहीं हुआ? ना ना माँ, मैं तो मेला में खो गया। झूठ बोलता है तू। माँ, मैं सही बता रहा हूँ। जब तक तुझे चाचा नहीं मिला तो मोरंग किला से अकेला कैसे तू चला आया? माँ सही बता रही है। बेटा, मैं उसी टाइम समझा रही थी कि तू अभी नदान हो, मेला देखिए भरोसा छोड़ दो, मेला की लालसा छोड़ दो, तुझे मूवी किला में मेला लगाऊंगी। लेकिन तूने जिद में कितना बड़ा मुसीबत में डाला, तू अपने चाचा को पता है? तुम्हारे चलते तेरे पिता ने तेरे चाचा को सिकड़ी फांसी खींच लिया था। संजोग से माँ दुर्गा ने सपना जगाया कि मैंने अचानक पहुंच गई कि जल्लाद के हाथों से बचा कर तेरे चाचा को मैंने तुम्हारे लिए जोगी बना दिया, और वो जोगी बनकर तुम्हारी खोज में गया। तू कहता है कि चाचा लोग नहीं मिला है? हाँ माँ, मैंने चाचा जी को सास से मिला है। कहाँ है तुम्हारा चाचा? चाचा का मुलाकात करेगी? मुझे उसे शकल दिखा दे। जब तक मैं उसके शकल नहीं देखूंगी मुझे चैन नहीं मिलेंगे। जिस दिन से गया है जानते हैं, रात की नींद खो गई है, दिन की चैन हराम हो गया मुझे। ठीक है माँ, मैं चाचा से मुलाकात अवश्य कराऊंगा। चाचा याबा सुनला रुदल हो सारा दान, मैया हो रोबे चाचा जी तुहरा खातिर महला बना
प्रणाम भाभी जी, सदा खुश रहो। प्रणाम भाभी, आज खुश रहिए देवर जी। आज तुम्हारी ममता और प्यार में मैंने लौट करके वापस तुम्हारी सामना आ गया हूँ भाभी। आज तुम अपना बेटा को लो, आज से बाबर उदर सिंह राज महबा से सदा के लिए राज महबा को छोड़ करके जा रहा है। क्यों? इसलिए सबसे नाता मुझे आज टूट गया। जो भाई ने अपने हाथों से कोई उल्टा बांध कर जल्लाद के हाथ में थमा दिया था, उसको ये शक्ल नहीं दिखाइएगा। क्या हुआ? जिसके चलते आपको सिकरी फांसी खींचने के लिए जल्लाद को ऑर्डर करवा दिया था, उसको उसके गोद में साबित नहीं करोगे कि देखिए भाई साहब, मैंने गंगा में बलिदान दे दिया था आपका बेटा को, क्या हकीकत में बेटा मेला में खो गया था। क्या दुश्मन के सामने जाएंगे मुंह दिखाने के लिए और मुंह को देखने के लिए? किसको दुश्मन कर? जो मारते बिजली का कोड़ा से मेरे बदन को छली छली कर दिया, जलाद को बुला करके वो ने सिकरी फांसी खींचा दिया, मेरे सीना पर मोकनी हाथी को दोहराया, तरपा तरपा करके मुझे सता सता करके वो जान मार दिया। वो अपने लिए कुछ भी किया, लेकिन जंग जब जीत लिए हैं तो उसको नजर में दिखाना जरूरी। चलो ठीक है, जो तुम कहेगी तुम्हारी बात को मैं उल्लंघन नहीं करेंगे। जितना आपको तरपाया मैं भी उसे तरपाऊंगी, और एक एक दिन के हिसाब पूछूंगी। सबसे पहले मेरा देवर कहाँ है, और महल में बेटा नहीं देखती उसको कहाँ भेज दिए हैं। ठीक है, तुम बुला करके पूछ सकती है। ठीक है देवर, लेकिन मैं आवाज लगाऊंगी, फौरन पहुंच जाइएगा। इंदल सिंह माँ, कुछ देर के लिए बेटा तुम भी छिप कर बैठ जाओ। मैं अपनी स्वामी जी से सारी वातावरण जब पूछूंगी ना, तो मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगी, तो फौरन उस टाइम चले आना। ठीक है। I'm not.
स्वामी जी एक बात पूछूं? आप पूछ सकते हैं। सिंहासन पर बैठने से चेहरा उदास क्यों हो गया? क्या बात है? और देवर मेरे जब जंगल को शिकार खेलने के लिए जाते थे या कोई मेला कोई तेरा धाम करने कोई घूमने के लिए जाते थे इस भाभी से मुलाकात करके जाता था वो। और छह महीना जब जंगल में रहता था तो दो हफ्ता एक हफ्ता के लिए भाभी की मुलाकात करने के लिए राजमहल जरूर पहुंचता था। लेकिन इतना दिन बीत गई है देवर की शक्ल नहीं देख रही हूँ, कहाँ चला गया है? रही बात की घर में बेटा इंगल को भी नहीं देखती हूँ, कहाँ की कहाँ सब चला गया। आंसू भरे ये शेर के आंखों में आंसू अच्छा लगता है? ऐसा क्या बात है कि मैंने पूछ रही हूं आप रो रहे हो? जवाब दीजिए। दुलारा है मारल गे ना मोहा पामे जा मेरे देवर के बारे में बोल रहे हैं? ऐसा कौन माई की लाल भारत में पैदा ले लिया कि मेरे देवर को मार देगा? कहवा से देवरा नागर मो कैसन है काले तारा निदारा दाये देवरा का फांसी खींची देलो मोती। कौन गलती मेरे देवर क्या था उसके साथ इतनी बड़ी अन्याय किया आप? रानी मेला के भक्ति मैंने दर्शी को सारी बात कह करके आदेश दिया था, उन्होंने दर्शी को भाई जबरदस्ती मेला ले गया। मेला जाने के बाद अचानक दोनों बच्चे को दोनों आदमी रुद्र सिंह देवा पंडित मिल करके इंद्र सिंह को वहीं बलिदान दे दिया। अचानक मुझे पता चला कि ऐसा ऐसे बात है, तो फिर रुद्र सिंह लौट करके जैसे दरबार आया मैंने आवेश में आकर के मारती बिजली कोड़ा से बदन को छल्ली कर दिया। डेवा को दरबार डेवा ने तो दरबार से फरार हो गया लेकिन और रुद्र सिंह मेरे कब्जा में आ गया। मैंने उसे जल्लाद लेकर के मैंने जंगल में उसको हत्या करवा दी। उसको हत्या करने के लिए बेटा मिल गया आपको? अपने भाई की कसाई जब अपने भाई को चूर चाल मार दिया तो बेटा मिल गया? जाने के टाइम में बच्चा नादान था, जिद में परा हुआ था, लेकर चला गया ममता के प्यार में वो। अगर हो गई गलती से जब वो बलिदान ही दे दिया तो क्या बेटा पैदा नहीं होता? एक बेटा को कौन पूछता है, सैकड़ों बेटा पैदा कर लेते, लेकिन आज भाई मिल रहा है। बेटा चाहिए आपको, मैं बेटा अभी देती हूं।
लेकिन मुझे देवर चाहिए हर हाल में। हे ये सब कुछ मिलता पिया हे हाटिया हे बाजार भैया न सहोदरा मिलता है कोनो दुनिया। पिताजी आपको मैं बदहोश देख रहा हूं और आंख में आंसू, क्या बात है? और चाचा जी को नहीं देख रहे हैं, चाचा डेबा पंडित को नहीं देख रहे हैं। जब मैं कहीं से खेल करके आते थे तो चाचा जी को गोद में झूम करके हमने बैठते थे। मेरे चाचा जी खुआ मिश्री दूध मलाई खिला रहा था, लेकिन अभी चाचा जी को नहीं देख रहे हैं। तोहारे आइए, आप हैं इलाम के दौर में धीरंदर बाबू प्रमुख साहब, सौर बाजार के निवासी। ये माँ बेटा और पति के मिलन पर शानदार 101 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए धीरंदर बाबू को माँ भगवती गुरुशिला खुला धन्यवाद।